बच्चों इस लेक्चर में हम थोड़ा सा रेजोनेंस के ऊपर फोकस करेंगे रेजोनेंस के ऊपर फोकस करेंगे फिर हम इसमें ट्रांसफॉर्मर की बात बात करेंगे और फिर हम एलसीआर सर्किट को पैरेलल में कैसे डील करते हैं वो हम देखेंगे तो सबसे पहले हमने रेजोनेंस एलसीआर सीरीज सर्किट में हमने देखा था रेजोनेंस कब अचीव करता था जब एक्सी और एक्सएल और एक्सी की वैल्यू इक्वल हो जाती है यानी कि ये आपका एक्सएल है और ये आपकी एक्सी है तो यहाँ से आप डिड्यूस करते हो और ओमेगा की वैल्यू यानी कि आपकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी हो जाती है वन अपॉन रूट एल सी तो इसको हम कॉल कर सकते हैं ओमेगा नॉट दिस इज द रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या होगी रूट वन ओवर रूट एल सी तो बच्चों इस केस में इस केस में जब हम पीक वैल्यू ऑफ करंट की बात करते हैं तो पीक वैल्यू ऑफ करंट हमारी एसी में क्या होती है वी नॉट बाई जेड होती है जैसा कि हमने पढ़ा था Z क्या होता है हमारा इंपीडेंस होता है ये ये हो गया हमारा impedance. तो की बात कर रहे हैं Z. Z is the impedance. अब Z अब को जैसा कि आप जानते हो क्या लिखते हैं हम आर स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर और होल का रूट तो पूरे ब्रैकेट को रूट कर देंगे ये हमारा आता है इंपीडेंस ये हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं अब ये देखो z की इस z की मिनिमम वैल्यू क्या होगी यहां पर दो टर्म है दोनों स्क्वायर में हैं। तो आप इसकी मिनिमम वैल्यू देखो ये r तो जीरो हो नहीं सकता ये टर्म जीरो हो सकता है क्योंकि यहां पर सब्ट्रैक्शन है जब x और x ही बराबर हो जाते हैं तो z की मिनिमम वैल्यू r आ जाती है यानी कि जब हमारा रेजोनेंस होता है रेजोनेंस में क्या हो जाता है कि ओमेगा नॉट वन अपॉन रूट एल सी होता है वहां पर हमें क्या मिलता है एक्सएल और एक्सी की वैल्यू बराबर मिलती है। एक्सएल और एक्सी बराबर होने पर जेड की वैल्यू आर आ जाती है और ये वैल्यू आर क्या है ये जेड की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है यानी कि सिर्फ आप ओमेगा को चेंज करके ओमेगा को चेंज करके जेड की वैल्यू को मैनिपुलेट कर सकते हो क्योंकि यहां पर एक्सी और एक्सएल कैसे फंक्शन है दोनों ओमेगा के फंक्शन है एक्सी होता है वन अपॉन सी ओमेगा एक्सएल होता है सी एल ओमेगा तो दोनों ओमेगा के फंक्शन है अब ओमेगा को वेरी करके यानी कि एंगुल, एंगुलर फ्रिक्वेंसी को वेरी करके आप क्या कर सकते हो एक्सी और एक्सएल को चेंज कर सकते हो अब यहां पर एट रेजोनेंस एट रेजोनेंस क्या होगा ये दोनों बराबर हो जाएंगे ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो इनका डिफरेंस जीरो हो जाएगा ये वाला टर्म आपको जीरो मिल जाएगा और z की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको मिनिमम मिल जाएगी तो जैसे ही z मिनिमम होगा तो पीक वैल्यू ऑफ करंट हमने लिखी है i नॉट इक्वल्स टू v नॉट अपॉन z तो पीक वैल्यू ऑफ करंट करंट पीक वैल्यू ऑफ करंट जो i नॉट है वो उसकी वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाएगी यानी कि एक गिवन वोल्टेज सोर्स के लिए जिसकी पीक वैल्यू कितनी है v नॉट अगर z को हम कम करते हैं तो वहां पर हमें पीक वैल्यू ऑफ करंट इंक्रीज हो जाएगी

तो यहां पर आप देखें एक्स एक्सिस पर आपको ओमेगा दे रखा है मेगा रेडियन पर सेकेंड में और वाई एक्सिस पर आपको पीक वैल्यू ऑफ करंट दे रखी है तो आप देख रहे हैं ओमेगा टू ओमेगा नॉट पर एकदम शार्प इंक्रीज हो रहा है करंट का यहां पर दो केस दे रखे हैं जब आर इक्वस टू हंड्रेड है और आर इक्वस टू टू हंड्रेड है और एल की वैल्यू आपको वन मिली हेनरी दे रखी है तो आप यहां पर देखें कि ओमेगा इक्व टू वन ओमेगा नॉट इक्व टू वन मिली रेडियन पर सेकेंड अगर आ रहा है तो आपकी करंट की वैल्यू एब्रप्टली इंक्रीज हो रही है ये देखो कितनी इंक्रीज हो रही है और जैसे ही ओमेगा को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो शार्पली डिक्रीज हो जाती है तो ये वाला पॉइंट होता है ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा नॉट क्या हो जाती है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी तो जैसे जैसे हम ओमेगा को चेंज करते हैं जैसे जैसे ओमेगा को चेंज करते हैं ओमेगा को इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे तो आपको आई की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी लेकिन सबसे ज्यादा यानी कि एब्रप्ट इंक्रीज जहां होगा वो कहां होगा ओमेगा नॉट यानी कि रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी यहां पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा इस फंक्शन में ये आई है और यहां पर ये ओमेगा है ओमेगा को आपने एक्स एक्सिस पर लिया हुआ है आई को वाई एक्स ये डिनोमिनेटर में आ रहा है जैसे जैसे ओमेगा चेंज करेंगे जेड की वैल्यू चेंज होगी जेड की वैल्यू चेंज होते ही आई की वैल्यू चेंज होती है और उसका ग्राफ ये इस पर दे रखा है एक्स वाई वर्सेज एक्स में तो आप देख सकते हैं कि ओमेगा को चेंज करने से आई किस किस प्रकार चेंज हो रहा है नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी हाफ पावर फ्रीक्वेंसी ये क्या मीनिंग है हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का तो बच्चों हमने जैसे पावर को स्टडी किया है पावर जनरली क्या होता है कि एवरेज पावर इन ए सी सर्किट इज आई नॉट स्क्वायर आर बाई टू ये हमने निकाली थी इसको हम आई नॉट को कैसे लिख सकते हैं अगर वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है तो आई नॉट को हम लिख सकते हैं वी नॉट बाई जेड तो इसका होल स्क्वायर होगा वी नॉट स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर डिवाइड बाई टू इन टू आर जो भी रेजिस्टेंस हो ईदर वे में आप इसको कैसे लिख सकते हो देखो आई नॉट आई नॉट को आप ऐसे लिखें और एक आई नॉट को क्या लिख सकते हो वी नॉट बाई जेड आप इसने बेसिकली हमने क्या लिखी थी दिस इज इनिशियली हमने क्या लिखी थी वी आई नॉट वी नॉट और कॉस्ट फाइव ये क्या था हमारा दिस वॉज द पावर फैक्टर इसको हम पावर फैक्टर कॉल कर रहे हैं पावर फैक्टर की वैल्यू क्या आ रही थी आर बाई जेड आ रही थी और वी नॉट बाई जेड अगेन क्या देगा आपको आई दे देगा तो ये तीनों फॉर्मूले सेम ही है पावर कितनी होगी चूंकि ये देखो ये करंट मैक्सिमम होगा तो रेजोनेंस पे जो एवरेज पावर होगी वो भी क्या होगी मैक्सिमम होगी अब उसको कैसे निकालते हैं एवरेज पावर एज रेजोनेंट इज आई नॉट स्क्वायर आर बाई टू बट आई नॉट की किस पे वैल्यू डिपेंड करेगी आपकी Z पे डिपेंड करेगी ये फॉर्मूला आप देख रहे हैं Z अगर मिनिमम होगा तो आपकी पावर मैक्सिमम हो जाएगी तो यहां पर इसको हम लिखेंगे Z को क्या होगा Z की value R हो At resonance, Z की की वैल्यू वैल्यू R हो हो जाती जाती है है एट रेजोनेंस क्या आपको याद है R हो जाती है तो यहां पर वी नॉट स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लिखेंगे आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी एंड दिस इज द मैक्सिमम पावर ये मैक्सिमम पावर हो सकती है सर्किट से क्योंकि Z की वैल्यू मिनिमम कभी हो, कितनी हो सकती है आर हो सकती है तो एवरेज पावर जो रेजोनेंस पे आएगी नॉट स्क्वायर बाई टू आर अब हम जो हाफ पावर फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं हम वो फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं जब यहां पर जो पावर है एवरेज पावर दैट इज हाफ ऑफ द पावर एवरेज पावर ऑफ रेजोनेंस हम इसको बोल रहे हैं एज एवरेज पावर एट रेजोनेंस इसको पी प्राइम बोल देते यानी कि आपको ऐसी एवरेज पावर निकालनी है जो पीक वैल्यू यानी कि पीक वैल्यू यानी कि मैक्सिमम एवरेज पावर कहां थी रेजोनेंस पर थी उसकी हाफ हो अगर आपकी पावर हाफ है तो आपकी रेजोनेंस पर पावर कितनी थी वी नॉट स्क्वायर बाई टू आर इसका हाफ कितना होगा हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे अब हमें नॉर्मल आपके सर्किट की कितनी पावर चाहिए इसकी हाफ पावर चाहिए इन जनरल हमारी पावर क्या होती है वी नॉट स्क्वायर R बाई टू जेड स्क्वायर ये आपके सर्किट की नॉर्मल एवरेज पावर होती है और ये रेजोनेंस है तो हमारी नॉर्मल एवरेज पावर रेजोनेंस की हाफ है उस टाइम पर हमको फ्रीक्वेंसी निकालनी है उस टाइम पर हमको क्या निकालनी है फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो आप क्या करेंगे ये आप नॉर्मल पावर को मैक्सिमम के हाफ के इक्वेट कर देंगे और यहां पर जब सॉल्व करोगे तो वी नॉट स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा टू से टू कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा जेड स्क्वायर इक्व टू टू आर स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्व टू टू आर स्क्वायर मिलता है और जेड स्क्वायर को आप क्या लिखते हो आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर यहां से एक आर स्क्वायर कैंसिल आपको XL माइनस एक्सी की वैल्यू मिल जाएगी आर के बराबर और अगर आप Z को यहां से आप Z को यहां से निकालेंगे Z को यहां से निकालेंगे तो Z की वैल्यू आपको क्या मिलेगी रूट टू टाइम्स आर Z की वैल्यू रू टू टाइम्स आर मिलेगी और XL माइनस एक्स क्या बोल जाता है R. अब बच्चों एक बहुत टर्म आने वाला है हाफ पावर फ्रिक्वेंसी तो यहां पर Z की वैल्यू रू टू आर हो गई तो आपका जो करंट होगा आई नॉट वो होगा वी नॉट बाई रूट टू जेड आर तो ये हो जाता है हमारा मैक्सिमम करंट था जो रेजोनेंस पर था उसका रूट टू टाइम्स तो ये कर्व हमारा करंट वर्सेस ओमेगा का कर्व कुछ ऐसे बन रहा था और ओमेगा नॉट यानी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर ये पीक वैल्यू अचीव कर रहा था अब हमें क्या करना है एक ऐसा करंट लेना है जो इससे वन बाई रूट टू टाइम्स हो तो इस पर जो यहां पर पावर आएगी लेट से इसको हम पी वन बोल रहे हैं और ये पी टू बोल रहे हैं अब ये पी वन पी टू और इसको हम पी नॉट बोल रहे हैं लेट से पी वन पी टू क्या है पी नॉट बाई टू होंगे हाफ पावर होगी इस पर करंट कितना होगा वन बाई रूट टू टाइम्स होगा और पावर कितनी होगी हाफ टाइम्स हो जाएगी क्योंकि आई के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है हमारी पावर तो ये जो फ्रिक्वेंसी है लेट से दिस इज ओमेगा वन और दिस इज ओमेगा टू इनको बोलते हैं ओमेगा वन और ओमेगा टू ये दोनों सेम लेवल पर होंगी क्योंकि इन दोनों के लिए इन दोनों के करस्पॉन्डिंग क्या होगा करंट की वैल्यू सेम होगी तो ये दोनों ऐसे एक लाइन पर एग्जिस्ट करेंगे अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचे ओमेगा वन ओमेगा टू इन दोनों पर ओमेगा वन और ओमेगा टू पर आपकी पावर क्या है हाफ पावर है जो मैक्सिमम पावर है उसकी आधी हो चुकी है अब यहां पर हम ओमेगा वन और ओमेगा टू देखो ये तो आपकी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी थी ओमेगा वन ओमेगा टू का जो डिफरेंस होता है इसको बोलते हैं बैंड विथ बच्चो ये कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है बैंड विर्थ बैंडविथ यानी कि सिग्नल की बैंडविथ सिग्नल की बैंडविथ क्या होती है रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के ऐसी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा और ऐसी फ्रिक्वेंसी कम यानी कि दो ऐसी फ्रिक्वेंसी जिन पर आपके टोटल पावर हाफ हो चुकी है टोटल पावर हाफ हो चुकी है उन दोनों फ्रिक्वेंसीज का जो डिफरेंस होता है उसको हम बैंडविर्थ कॉल करते हैं तो हम ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू को क्या बोल सकते हैं बैंड अब ओमेगा वन को कैसे लिख सकते हैं देखो ये तो आपकी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी थी तो हम ये बोल रहे हैं कि इसको डेल्टा डेल्टा ओमेगा 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 से इंक्रीज कर दिया तो ओमेगा, वन टू ओमेगा प्लस ये हो गया और ओमेगा टू को क्या लिख सकते हो आप ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा इस तरह से लिख सकते हो आप माइनस डेल्टा ओमेगा तो आपके पास ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू की वैल्यू क्या आ जाएगी टू डेल्टा ओमेगा जाएगी अब इसकी वैल्यू कितनी होती है इसकी वैल्यू आप याद रख लेंगे सर्किट में वैल्यू होती है बैंडविड्थ की वैल्यू होती है रेजिस्टेंस बाई इंडक्टर यानी कि आर बाई एल होती है आप याद रखेंगे इसकी वैल्यू क्या होती है आर बाई एल ओके इसके बाद एक डिफाइन होता है क्यू क्यू को बोलते हैं हम क्वालिटी फैक्टर क्वालिटी फैक्टर को हम डिफाइन करते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ क्या डिफाइन करते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविथ तो ये थी आपकी क्या रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी इसको बैंडविथ से डिवाइड करेंगे तो ये बैंडविथ क्या हो जाएगी आर बाई एल एल ऊपर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगी इसको ये देखो ये ऊपर क्या आ जाएगा एल ओमेगा नॉट आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा आर आ जाएगा यानी कि एल ओमेगा नॉट क्या होता है एक्सएल होता है तो इसको एक्सएल बाई आर वी बोल सकते हैं तो क्वालिटी फैक्टर को हम क्या बोल सकते हैं एक्सएल बाई आर वी बोल सकते हैं अब एट रेजोनेंस क्या होता है एक्सएल और एक्सी दोनों बराबर होते हैं तो इसको एक्सी बाई आर बी बोल सकते हैं अब दोनों में अगर मैं आई नॉट आई नॉट मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाता है पोटेंशियल अक्रॉस रजिस्टर का रेशियो हो जाता है अब पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर क्या होता है पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर के भी इक्वल होता है तो इस क्वालिटी फैक्टर को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला से आप लिख सकते हो वी सी बाई वी आर वी एल बाई वी आर एक्ससी बाईल रेजिडेंट इन फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई डिफाइन होता है अब आप एल ओमेगा की वैल्यू ओमेगा की वैल्यू बच्चों क्या है वन अपॉन रूट एल सी है ये वैल्यू अगर ओमेगा की यहां रख देते हो तो आपको ये टर्म मिल जाता है यानी कि रूट ऑफ एल ओवर सी वन बाई आर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट है ये कई बार में, 2021 में कई बार बार ईयर ईयर में 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 क्वेश्चन आए इसके ऊपर सीधे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए ये डिफरेंट डिफरेंट इसके टर्म्स पता होने चाहिए कि कैसे कैसे इस टर्म्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है अब ये क्या होता है क्वालिटी फैक्टर क्या होता है क्वालिटी फैक्टर मेजर शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस आप ये देख रहे हैं ये शार्पनेस यानी कि बहुत शार्प जितनी बैंडविथ कम होगी हाफ पावर फ्रिक्वेंसी जितनी कम होगी उतना ही ये शार्प होगा अगर ये बैंडविर्थ कुछ इस तरह से होती है तो आप देखेंगे हाफ पावर फ्रिक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी बैंडविर्थ यानी कि आपका डिनोमिनेटर ज्यादा हो जाएगा तो जितना डिनोमिनेटर ज्यादा होगा उतनी ही शार्पनेस कम हो जाएगी बैंडविर्थ जितनी कम होगी उतनी शार्पनेस ज्यादा होगी तो यहां पर बैंडविथ क्या है डिनोमिनेटर में आया है तो जितना क्यू ज्यादा होगा उतनी ही शार्पनेस ज्यादा होगी तो वहां पर क्या होता है कि बैंड बहुत कम हो जाता है इस फिगर को दोबारा से देखिए यहां पर दो एग्जाम्पल दे रखे आर इक्स टू हंड्रेड के लिए अब हमने क्वालिटी तो कर रहे आर वन बाई आर में है रेजिस्टेंस आपको 1 by R के factor में दिख रहा है तो यहां पर जैसे ही रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे क्वालिटी फैक्टर डिक्रीज करेगा तो यहां पर दो रेजोनेंस दे रखे हैं एक दे रखा है ब्लू लाइन में और ये आर इक्व टू टू हंड्रेड के लिए ये ब्लैक लाइन में दे रखा है तो आप देखेंगे यहां पर रेजोनेंस करंट की जो शार्पनेस है वो कम है और यहां पर ये शार्पनेस पीक बहुत शार्प पीक बन रहा है जब रेजिस्टेंस कम होगा यानी कि क्वालिटी फैक्टर आपका ज्यादा होगा रेजिस्टेंस को कम करोगे क्वालिटी फैक्टर इंक्रीज हो जाएगा क्वालिटी फैक्टर इंक्रीज होगा तो आपकी शार्पनेस क्या होगी इंक्रीज हो जाएगी अगर आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हैं तो क्वालिटी फैक्टर क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा क्वालिटी तो फैक्टर तो में आप जेड की वैल्यू आपकी आर के बराबर होती है यानी कि आपका इम्पिडेंस आर के बराबर हो जाता है और आई नॉट पीक वैल्यू वी नॉट बाई आर होती है और एवरेज पावर आपकी वी नॉट स्क्वायर बाई टू आर होती है बैंडविड्थ क्या होती है दिस इज ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू और इसको टू डेल्टा ओमेगा बोलते हैं इसकी वैल्यू एल आएगी ये आपको याद रखना है और इस पॉइंट पर जेड की वैल्यू यहां पर ओमेगा ओमेगा टू होती है हाफ पावर फ्रीक्वेंसी और इस इन फ्रीक्वेंसीज पर आपको जेड की वैल्यू रूट टू आर होती है क्वालिटी फैक्टर होता है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ और इसको आप वन बाई आर रूट एल बाई सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर एल ओमेगा नॉट आर वी एल ओवर वी आर ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं यानी कि क्वालिटी फैक्टर आपको पता होना चाहिए बैंड विर्थ पता होना चाहिए और रेजोनेंस पर जेड आई और पावर पता होना चाहिए और शार्पनेस की बात करें तो रेजिस्टेंस को आप डिक्रीज करोगे तो शार्पनेस क्या होगी आपकी इंक्रीज होगी ये आपको यानी कि बुलेट पॉइंट्स पॉइंट आपको पता होने चाहिए इस डिस्कशन से क्योंकि इस पर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिल जाते हैं जैसे कि अब यहां पर क्वेश्चन देखते ये 2018 में पूछा हुआ है क्वालिटी फैक्टर क्यू सीधा पूछ लिया गया है क्यू की वैल्यू आप यहां पर देखेंगे किस वैल्यू दे रखी है यानी कि पहला ऑप्शन आपको ओमेगा नॉट एल बाई आर दे रखा है तो ये क्वालिटी फैक्टर है यस yes, ये क्वालिटी फैक्टर है इसको आप देखो दूसरे टर्म में आप क्या कर सकते हो एल ओमेगा नॉट एल ओमेगा नॉट की वैल्यू यू ऑलरेडी नो कि वन बाई सी ओमेगा नॉट होती है। तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो ये टर्म कई बार आपको ऐसे भी दिख जाएगा क्वालिटी फैक्टर को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया था तो अब बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है आपका आंसर हो जाएगा ए नेक्स्ट क्वेश्चन रेजोनेंस के ऊपर दे रखा है वेन रेजोनेस इज प्रोड्यूस एलसीआर सर्किट यहाँ पर एल सी आर सर्किट दे रखा है और रेजोनेस की बात करी हुई है सिर्फ इस सर्किट को रेजुनेंस पर ऑब्जर्व कर रहे हैं हम एनालिसिस दैन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट बच्चों ध्यान रखना है नॉट करेक्ट वाले क्वेश्चन कई बार बच्चे रोंग कर देते हैं हमें करेक्ट नहीं देखना है नॉट करेक्ट वाला ऑप्शन देखना है तो पहला ऑप्शन देखेंगे करंट इन द सर्किट इज इन फेज विद अप्लाइड वोल्टेज आर तो क्योंकि XL हो जाता है तो हम यहां पर की वैल्यू हम क्या करेंगे 10, आपको याद है कि दोनों के बीच में ये आता है करंट और वोल्टेज में दैट इज करंट और ये वोल्टेज इन दोनों के बीच में एंगल फाइव होता है तो हम इसको बोलते हैं एक्सएल माइनस एक्सी ओवर आर और ये जीरो हो जाता है यानी कि करंट और वोल्टेज दोनों इन फेज होते हैं तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है बी ऑप्शन देखिए इंडक्टिव एंड कैपेसिटेंस रिएक्टेंस आर इक्वल यस एक्सएल और एक्स दोनों बराबर होते हैं तो बी ऑप्शन भी आपका करेक्ट है सी में इफ आर इज रिड्यूस्ड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड तो कैपेसिटर के अक्रॉस आप वोल्टेज कैसे लिखोगे वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर तो इसको बोलते हैं वी सी वी सी विल बी गिवेन एज आई नॉट इन टू एक्सी और आई नॉट अपॉन एक्सी को क्या लिखोगे आई नॉट को क्या लिखोगे आप वी नॉट बाई जेड इन टू एक्सी और जेड इस केस में क्या हो जाता है वी नॉट बाई आर इंटू एक्सी अब यहां पर बोल रहे हैं कि अगर आर को रिड्यूस करें तो वी की वैल्यू इंक्रीज होगी यस आर इज रिड्यूस्ड वी सी इज इंक्रीज यस क्योंकि आर डिनोमिनेटर में आ रहा है डिनोमिनेटर को डिक्रीज करेंगे तो और VC सी क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा तो सी ऑप्शन भी आपका करेक्ट है तो आंसर डी होना चाहिए क्योंकि इन्होंने इनकरेक्ट पूछा हुआ है। इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज मैक्सिमम मैक्सिमम नहीं होता है इम्पीडेंस इज मिनिमम मिनिमम कितना होता है आर एट रेजोनेंस सो डी में ये क्या होता है जेड क्या होता है मिनिमम और इट इज इट इज द इनकरेक्ट तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर इज डी बिकॉज इन्होंने इनकरेक्ट पूछा हुआ है तो आंसर इज डी विच इज द इनकरेक्ट इंपीडेंस इज ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस इज मिनिमम नॉट मैक्सिमम तो यहां पर ये गलत है तो इन्होंने यही पूछा हुआ है कि कौन सा गलत है तो आंसर आपका डी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए 2013 में पूछा हुआ है थोड़ा जूम करके इसको फिगर को आपको देखना पड़ेगा एक फिगर दिया हुआ है जैसा फिगर मैंने आपको बताया था थियोरी में क्वालिटी फैक्टर पूछा हुआ है क्वालिटी फैक्टर यानी कि क्यू की बात करी है रिसेंट ईयर में क्वालिटी फैक्टर पर बड़े क्वेश्चन आने हैं तो यहां पर देखेंगे क्वालिटी फैक्टर में आप देखेंगे एक पीक यहां पर बन रहा है पीक कहां बन रहा है पीक आपको बन रहा है दिस इज फाइव ओके और यहां पर ये डॉटेड लाइन दे रखी है और दे मस्ट बी हाफ पावर फ्रिक्वेंसी जो डॉटेड लाइन है ये दोनों इक्वल दे रखी है तो हाफ पावर फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए क्योंकि ये देखो यहाँ पर ये वन के अराउंड है ये जीरो के अराउंड है तो टोटल पावर जीरो के अराउंड है तो यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज थ्री दिस इज फोर दिस इज फाइव दिस इज सिक्स तो बीच में ये थ्री पॉइंट फाइव होगा तो यहाँ पर ये ऑलमोस्ट थ्री पॉइंट सिक्स थ्री पॉइंट सेवन के आसपास होगा और यहां पर आपको ये देखेगा 6.3 6.4 के आसपास तो आप इसको देखेंगे तो ओमेगा टू ओमेगा वन को आप लिख सकते हो ऑलमोस्ट 6.3 पॉइंट किलो हर्ज में क्योंकि ये यूनिट किलो हर्ज में दे रखी है और ओमेगा टू को आप लिख सकते हो दैट इज फाइव दिस इज थ्री पॉइंट ऑलमोस्ट सिक्स के आसपास रहेगा थ्री पॉइंट सिक्स सेवन आप कुछ भी ले सकते हो लेट से, से। किलो और आपका ओमेगा नॉट आपको दिख रहा है 5 किलो 5 किलो तो क्वालिटी फैक्टर को बच्चों हम क्या करेंगे ओमेगा नॉट अपॉन ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू दैट इज दिन बैंड तो आपका ओमेगा नॉट हो जाएगा फाइव किलो हर्स आप इन दोनों को आप माइनस करेंगे यानी कि 6.3 पॉइंट थ्री माइनस थ्री पॉइंट सेवन तो ये आपको ऑलमोस्ट 2.6 के आसपास आएगा दैट इज 5 अपॉन 2.6 तो आपका क्वालिटी फैक्टर विल कम एप्रोक्स 0.2 के आप के आंसर आएगा 0.2 से थोड़ा सा कम आएगा अप्रॉक्स 0.2 क्योंकि ऑप्शन में आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट जीरो दे रखा है तो आप इसको ही करेक्ट आंसर करेंगे देखो इन्होंने मार्किंग नहीं दे रखी है तो एग्जैक्ट हम यहाँ पर बता नहीं सकते कि ये डॉटेड लाइन कहाँ पर है तो इसमें आप अप्रॉक्सीमेट आंसर यानी कि टू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि 2.5 आना नहीं है 2 से थोड़ा सा कम आना है 0.4 आ नहीं सकता 5 आ नहीं सकता सो द नियरेस्ट आंसर विल बी 2 तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यानी कि बी आपका आंसर होगा अच्छा इसके बाद एक छोटा सा कांसेप्ट होता है बैक ईएमएफ का उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं वो कई बार क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है एग्जाम में तो ईएमएफ ऑफ एसी मोटर एसी मोटर क्या होता है शायद आप बच्चों जानते होंगे एसी मोटर क्या होता है कि एक आर्मेचर होता है और दोनों तरफ यहां पर हॉर्श मैग्नेट लगी होती है यहाँ हॉर्श मैग्नेट दोनों तरफ लगी होती है एक तरफ नॉर्थ पोल है और एक तरफ साउथ पोल है और यहाँ पर जो मोटर होती है उसमें क्या होता है कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से इस कॉयल को जैसे इस कॉयल में करंट जाता है तो यहाँ पर क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पर फोर्स लगता है और ये कॉयल रोटेट करने लग जाती है तो यहाँ पर इसको बोलते हैं आर्मेचर यानी कि ये कॉयल होता है जिसमें काफी सारे टर्न होते हैं इसको बोलते हैं आर्मेचर और यहाँ पर ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा कुछ इस तरह से तो करंट की वजह से यहाँ इन दोनों साइड में फोर्स लगता है और फोर्स की वजह से ये रोटेशन होने लग जाती है तो ये वर्किंग ऑफ मोटर होती है इसकी बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हम लेकिन यहाँ पर बैक ई की बात करेंगे तो पहले जानते हैं जो ई होता है यानी कि ई इनपुट

फ्लक्स चेंज होता है उसके बाद एक ई एम एफ इंड्यूस्ड हो जाता है और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो ये बैक ई एम एफ का काम करता है तो टोटल ई एम एफ इसका ई माइनस आई आर हो जाता है टोटल ई एम एफ क्या हो जाएगा ई माइनस ई और दैट विल बी इक्वल्स टू आई आर यानी कि ये सोर्स का ई एम एफ है और ये बैक ई एम एफ है तो नेट ई एम एफ कैपिटल ई माइनस स्मॉल ई हो जाएगा दैट इज आई आर और यहां से करंट इन द आर्मेचर हम कैलकुलेट करेंगे तो ई माइनस ई बाई आर हो जाएगा इज द बैक ई एम एफ विच इज इंड फ्लक्स चेंज और ये कैसे डायरेक्शन में होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा इसलिए नेट ई एम एफ ई माइनस ई होगा अब बच्चो जैसा कि आप जानते हो कि चेंज इन चेंज इन किस पर डिपेंड करता है चेंज इन फ्लक्स होता है बी डॉट ए जैसा की हमने बात करी थी और डी फाइव बाई डी टी डी बाई डी टी जो बात है दी ए कॉस थीटा और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप ये टर्म आ जाता है जैसे बी ओमेगा कॉस ओमेगा टी ये हमने बात करी थी ई एम एफ की ये हम पिछले चैप्टर में बात कर चुके हैं इसके बारे में तो यहां पर ये देखो ये ई जो इंड्यूस्ड ई है वो किस पर डिपेंड करेगा ओमेगा पर डिपेंड करेगा यानी कि एंगुलर स्पीड पे यानी कि रोटेशन स्पीड पर डिपेंड करेगा कि ये कितनी रोटेशन स्पीड से घूमता है जितना ज्यादा ओमेगा होगा उतना ही बैक ई इंक्रीज होगा अब हम बात करते हैं जब टीव टू जीरो यहां पर जब करंट फ्लो करता है तब स्टार्ट में क्या होगा ओमेगा जीरो होगा टीक्स टू जीरो पर ओमेगा क्या होगा कोई भी रोटेशन नहीं होगा मोटर के अंदर और ओमेगा जीरो होगा तो टोटल आई क्या हो जाएगा आई इज द ई एम एफ ऑफ द सोर्स माइनस आर यानी कि ई आपका क्या होगा बैक ई एम एफ विल बी जीरो बिकॉज ओमेगा क्या है आपका जीरो है तो जैसे जैसे आपका ओमेगा इंक्रीज होगा आपका बैक ई एम एफ भी इंक्रीज होगा और जैसे जैसे बैक ई एम एफ इंक्रीज होगा तो आई की वैल्यू आपकी रिड्यूस होगी क्योंकि ई माइनस ई नेट ई एम एफ इन द आर्मेचर डिक्रीज हो जाएगा तो हम यहां पर मिनिमम करंट निकाल सकते मिनिमम कि करंट कितना होगा दिस इज सोर्स माइनस ई मैक्स मैक्सिमम ऑफ बैक ई एम एफ अपॉन आर इस तरह से हम मिनिमम करंट निकाल सकते हैं जब हम लोड को अप्लाई करते हैं जब हम लोड को अप्लाई करते हैं लोड अप्लाई करने से यानी कि मोटर से इलेक्ट्रिक मोटर है और इलेक्ट्रिक मोटर से कुछ भी आप रोटेट कर रहे हैं मोटर क्या होता है मोटर इज अ डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है और फिर उस मैकेनिकल एनर्जी को आप किसी से कनेक्ट करके यूज करते हैं लेट से हमने किसी लोड से इसको मोटर को कनेक्ट किया जिसको वो लोड को रोटेट कर रहा है रोटेट करने से क्या होता है ओमेगा रिड्यूस होता है क्योंकि लोड होने से ओमेगा रिड्यूस होगा ओमेगा रिड्यूस होता है तो बैक ई भी रिड्यूस हो जाता है बैक ई रिड्यूस होता है तो क्या होता है आई आपका बढ़ जाता है आई आपका बढ़ जाता है तो फोर्स भी आपका बढ़ जाता है और फिर आपका रोटेशन भी तो यहां पर आई बढ़ने से आई बढ़ने से क्या होता है कि सोर्स से एडिशनल पावर कंज्यूम होती है क्योंकि हम सोर्स की एडिशनल पावर को क्या बोलेंगे ई इंटू आई बोलेंगे तो जैसे यह आई इंक्रीज होगा तो सोर्स से जो विड्रॉ होगी पावर वो बढ़ जाएगी तो जो सोर्स से विड्रॉ एडिशनल पावर होगी जो कि आई बढ़ने से आई है वो कहां जाएगी वो आपको एक्सटर्नल सोर्स का जो ईएमएफ है वो मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट होगा यानी कि एक्सटर्नल लोड को रोटेट करने में जितना आया है वो कहां से आएगा आपके सोर्स के से पावर विड्रॉ करने में आएगा दूसरा हम बात करते हैं एफिशिएंसी ऑफ मोटर को हमने लिखा था स्मॉल ई प्लस आई आर और पावर को हम लिख सकते हैं ई इंटू आई यानी कि स्मॉल ई इंटू आई इंटू आई स्क्वायर आर ये हम पावर लिख सकते हैं अब इसको बोल सकते हैं टोटल पावर ऑफ द सोर्स इज मैकेनिकल पावर प्लस पावर लॉस तो ये होती है मैकेनिकल पावर जो इसको रोटेट कर रही है और ये एज ए हीट एनर्जी ये लॉस हो रही है सो दिस इज द इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाइड बाई द सोर्स एंड दिस इज द यूजफुल मैकेनिकल पावर और आई स्क्वायर आर क्या होता है हीट लॉस में जाता है एफिशिएंसी हम कैसे डिफाइन करते हैं एफिशिएंसी ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं तो पावर आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट पावर दैट इज ई इनटू आई क्या होगा पावर आउटपुट होगा और कैपिटल ई इनटू ई आई यानी कि ये ईएमएफ ऑफ द सोर्स होगा इनटू आई क्या होगा पावर इनपुट होगा तो आई आई कैंसिल हो जाएगा यानी कि बैक ई अपॉन ई ऑफ द सोर्स ये हमेशा क्या कहलाएगी ये एफिशिएंसी ऑफ द मोटर कहलाएगी परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो उसको हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे अब बात करते हैं कि ये पावर मैक्सिमम कब होगी मैक्सिमम मैकेनिकल पावर के लिए हम क्या करेंगे पीएम को क्या लिखते हैं बैक ईएमएफ इनटू करंट इन द आर्मेचर बैक ईएमएफ जो स्मॉल ई e से रिप्रेजेंट कर रहे थे और करंट को हम क्या बोल सकते हैं आर्मेचर का करंट हमने लिखा था ई माइनस ई ओवर आर इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे अब आप देखोगे कि जो पावर है अ फंक्शन ऑफ ई पावर है मैकेनिकल पावर इज द फंक्शन ऑफ बैक ई तो इसको मैक्सिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे इस पावर को ई e से कर देंगे और उसको जीरो को डिफरेंशिएट करने से आपको एक रिजल्ट आएगा कि ई बी यानी कि ई बी और ये टर्म आपका इक्वल होना चाहिए तो ई बी की वैल्यू क्या आ जाएगी ई एम एफ बाई ऑफ द सोर्स का आधा होना चाहिए बैक ई एम एफ अगर ये आधा होगा तो आपकी जो मैकेनिकल पावर होगी वो आपकी मैक्सिमम आएगी और उस पॉइंट पर आपकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी ई e बाई e, और ई e बाई e का रेशियो आप यहां से देखोगे दैट इज हाफ एफिशिएंसी होगी 50 परसेंट तो 50 परसेंट एफिशियंसी पर मैक्सिमम पावर विड्रॉ हो सकती है सोर्स से यहां पर करंट उस केस में क्या होगा आई इक्वल टू ई माइनस ई बाई आर और ई e की वैल्यू ई बाई टू है ये e/2r हो जाएगा ये मैक्सिमम पावर के करस्पोंडिंग करंट होगा और मैक्सिमम पावर कितनी होगी दैट इज स्मॉल e into i और हम इसको लिख सकते हैं e/2 और i को लिख सकते हैं e/2/r तो ये हो जाएगी emf ऑफ द सोर्स स्क्वायर 4r वेयर r इज द रेडियस सॉरी रेजिस्टेंस ऑफ द आर्मेचर ये बैक ईएमएफ की हम ये सारी कैलकुलेशन कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है नेक्स्ट टॉपिक है स्टडी करने के लिए ट्रांसफॉर्मर बड़ा ही छोटा सा कंसेप्ट है और एग्जाम में ऑन एंड ऑफ आता रहता है इसके ऊपर क्वेश्चन प्रोबेबली आता ही है तो पहले ट्रांसफॉर्मर की डिटेल देखेंगे ट्रांसफॉर्मर क्या होता है इट्स इट इज यूज फॉर चेंजिंग द अल्टरनेटिंग वोल्टेज फ्रॉम हायर टू लोअर या फिर लोअर टू हायर यानी कि जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है उसको हमें इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है उसके लिए हम ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं और इसमें प्रिंसिपल यूज होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रिंसिपल के थ्रू का यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रिंसिपल को यूज करते हुए हम ये इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं ट्रांसफॉर्मर होता क्या है इट कंसिस्ट ऑफ टू सेट्स ऑफ कॉइल इसमें दो कॉइल होती है वॉन्टेड ओवर है ओवर है सॉफ्ट आयरन एक सॉफ्ट आयरन कोर होती है कोर के ऊपर आप दो कॉइल ऐसे वाइंड करते हैं दो तरह से होती है ये होती है वन ओवर अदर यानी कि एक पहली कॉइल भी यहां पर वाइन की हुई है और दूसरी कॉइल भी यहीं पर वाइन की हुई है तो यहां पर इन दोनों की कोर आप देख सकते हैं दोनों की कॉमन है इसको बोलते हैं वन वन ऑन टॉप ऑफ अदर दूसरा होता है कि आपने ये आपका सॉफ्ट आयरन है और एक साइड पर एक आम पर आपने क्या लिया प्राइमरी कॉल कॉइल ली और दूसरी कॉइल को आपने सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं वो उसको

प्राइमरी कॉइल के अंदर हम जो इनपुट वोल्टेज होता है इनपुट वोल्टेज अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है वहां से अल्टरनेटिंग वोल्टेज होने से अल्टरनेटिंग करंट आता है, अब प्राइमरी कॉयल के अंदर अल्टरनेटिंग करंट है अल्टरनेटिंग करंट है तो यहां पर क्या होगा फ्लक्स वेरिएबल होगा यानी कि देखो यहां पर एक म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है अगर यहां पर करंट वेरी करेगा तो इसके अंदर फ्लक्स वेरी करेगा इसके अंदर फ्लक्स वेरी करेगा तो इसके अंदर एक ईएमएफ जनरेट होगा एक ईएमएफ जनरेट होगा। तो हम बोल सकते हैं सेकेंडरी कॉइल में वेरिएबल फ्लक्स होने की वजह से एक इंड्यूस ईएमएफ हुआ और इंड्यूस्ड करंट हुआ तो हम बोल सकते हैं सेकेंडरी कॉइल में, से, तो में जो इंड्यूस ईएमएफ है उसको बोल सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी माइनस डी5 बाय डीटी ये हो जाएगा एक कॉइल के अंदर एक टर्न के अंदर जो भी फ्लक्स चेंज है दैट इज डी फाइव बाई डी और नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं टोटल एन एस है टोटल ई एम एफ अक्रॉस द सेकेंडरी कॉयल कितना हो जाएगा es। और अगर हम प्राइमरी की बात करें प्राइमरी में ये ईएमएफ क्यों इंड्यूस होगा ये आपका सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से होगा क्योंकि आपका इनपुट वोल्टेज आप सपोज करो वी ई e दे रहे हैं तो यहां पर क्या होगा सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से एक ईएमएफ यहां पर बिल्ड होगा इसको बैक ई एम एफ भी बोल सकते हैं इन प्राइमरी कॉइल दैट विल बी एनपी डी फाइव बाई डी टी अब बच्चों होता क्या है कि जो प्राइमरी कॉइल है उसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो के होता है तो यहां पर करंट प्राइमरी कॉइल में रेजिस्टेंस जीरो है और अगर उसके अंदर कोई भी वोल्टेज हुआ तो यहां पर आप करंट देखोगे V बाई आर वी बाई आर आर टेंस टू जीरो तो इन्फिनिटी होना चाहिए बस ऐसा नहीं होता है क्योंकि जितना भी हम वोल्टेज प्राइमरी कॉयल में सप्लाई करते हैं उतना वो ही बी बैक ई एम एफ जनरेट हो जाता है तो हम बोल सकते हैं ई एम एफ ऑफ द प्राइमरी इज इक्व टू द इनपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के बराबर हो जाता है और करंट की वैल्यू नेग्लिजिबल होती है यानी कि करंट की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है जीरो नहीं होती है इन्फिनिटी नहीं होती है बहुत स्मॉल होती है बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट इक्व टू वीपी ठीक है क्योंकि आर टेंस टू जीरो है तो आपका

अब क्या होता है कि सेकेंडरी कॉयल में से अगर हम कोई करंट इनपुट करेंगे कोई भी सॉरी करंट विड्रॉ करेंगे तो वहां पर V चेंज हो जाएगा V क्या हो जाएगा E माइनस आई हो जाएगा सॉर्ट sort ऑफ of. लेकिन यहां पर करंट को हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं कि कोई भी करंट यहां से विड्रॉ नहीं कर रहे हैं तो पोटेंशियल अक्रॉस सेकेंडरी विल बी इक्व टू ई एम एफ जनरेट इन द सेकेंडरी तो हम यहां पर बोलेंगे वीपी ओवर वी एस इक्व टू ईपी ओवर ई एस लोग इसको ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं लोग इसको डायरेक्ट मान लेते हैं कि वीपी और ईपी बराबर होंगे और वी एस और ई एस बराबर होंगे बट ये एक सर्टेन कंडीशन में ही इक्वल होते हैं अब इनको दोनों को डिवाइड करेंगे क्योंकि हमने ईपी को लिखा है एनपी इंटू डी फाइव एडीटी और इसको लिखा है एन एस इंटू डी फाइव ए डी टी डी फाइवी चेंज इन फ्लक्स दोनों का चेंज इन फ्लक्स दोनों का बराबर कब होगा जब हम फ्लक्स लिंकेज हंड्रेड परसेंट मान रहे हैं यानी कि आप ये समझो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑलमोस्ट बराबर है ऑलमोस्ट बराबर है यानी कि m की वैल्यू अगर आप 1 मानोगे तो फ्लक्स लिंकेज 100% होगा यानी कि जितना फ्लक्स इसके थ्रू है उतना ही फ्लक्स दूसरी सेकेंडरी के थ्रू भी जा रहा है तो यहां पर अगर d5/dt दोनों का सेम है आइडियल केस में है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिल जाएगा np ओवर ns दिस इज फॉर द आइडियल केस अब ये जो हमने रिलेशन लिखा है ये कब होल्ड करता है पहला तो हम प्राइमरी में रेजिस्टेंस जीरो माना है कि कोई भी करंट नहीं है तो ये प्राइमरी का वोल्टेज और प्राइमरी का ईएमएफ दोनों बराबर हो जाएंगे ठीक है ना प्राइमरी का रेजिस्टेंस जीरो है है और ईपी टू जीरो बहुत छोटा है जीरो नहीं है ठीक है सेम फ्लक्स इन बोथ यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑलमोस्ट इक्व टू वन है सेम फ्लक्स हो रहा है जितना फ्लक्स इसके थ्रू जा रहा है उतना ही फ्लक्स दूसरे के थ्रू जा रहा है ठीक है ना और सेकेंडरी के अंदर कोई भी आपका कोई भी करंट विड्रॉ नहीं किया जा रहा है सेकेंडरी का भी क्या है करंट बहुत जीरो आई एस इज ऑल्सो टेंस टू जीरो उस केस में आपके पास क्या हो जाएगा वीपी ओवर वी एस इक्वल्स टू एनपी नंबर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉयल डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉयल अब यहां पर अगर हम ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी कितनी माने बच्चों हंड्रेड परसेंट अब एफिशिएंसी क्या होगी ये जानते हैं ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी होती है कि आपने जितनी ही पावर इनपुट करी है उतनी ही पावर आउटपुट हो गई है यानी कि आप प्राइमरी कॉइल से जितनी ही पावर सोर्स से इनपुट कर रहे हो उतनी ही सेकेंडरी कोयल से पावर आउटपुट में आपके पास आ रही है ओके okay, तो आईपी और आई क्या है दिस इज द प्राइमरी कॉइल करंट एंड दिस इज द सेकेंडरी कोयल करंट तो इसको करंट इनपुट बोलेंगे और इसको करंट आउटपुट बोलेंगे पावर तो इनपुट को हम लिख सकते हैं वीपी इंटू आई और आउटपुट पावर को क्या लिख सकते हैं क्योंकि आउटपुट आउटपुट कहां से से हो रहा है सेकेंडरी कॉइल आपका अब इन दोनों को रीअरेंज करेंगे तो आईपी ओवर आई एस को आप ये से लिख सकते हो वी एस ओवर वीपी यानी कि यहां पर आईएस को इधर से डिवाइड कर देंगे और वीपी को इधर ले जाएंगे ये रिलेशन आ जाएगा अब हमें ऑलरेडी पता है कि वी एस ओवर वीपी इज प्रपोर्शनल टू एन एस ओवर एनपी यानी कि वी एस ओवर वीपी एन एस ओवर एनपी के प्रपोर्शनल है एन एस क्या है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल एनपी क्या है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल कि जितने ही प्राइमरी कॉइल में टर्न्स है अब ये ये रिलेशन पीक वोल्टेज पीक करंट और आरएमएस दोनों के लिए होल्ड करता है यानी कि यहां पर आरएमएस है तो ये भी आरएमएस ले सकते हो और अगर यहां पर पीक है तो ये भी पीक ले सकते हो ये दोनों के लिए होल्ड करता है तो यहां से आप सेकेंडरी कोयल का अगर वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे दैट विल कम आउट टू बी ओवर और सेकेंडरी कॉयल का अगर आप करंट निकालेंगे तो यहां पर एनपी ओवर एनएस इंटू आई एस हो जाएगा ओके okay. अब एक सिनेरियो मानते हैं कि जिसमें क्या है आपका एन एस यानी कि नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी प्राइमरी से ज्यादा है जो सेकेंडरी के है, वो प्राइमरी कोल से ज्यादा है तो अगर सेकेंडरी के टर्न प्राइमरी कॉल से ज्यादा हुए तो एनएस ओवर एनपी आपका ग्रेटर देन वन हो और कोई भी फैक्टर जो वन से बड़ा है उसको वीपी से मल्टीप्लाई करेंगे ओके okay, तो आपका जो वी एस आएगा दैट इज समर मल्टीप्लाई बाई वीपी यानी कि वी एस आपका वीपी से बड़ा हो जाएगा यानी कि इनपुट आपका वोल्टेज कम है लेकिन आउटपुट वोल्टेज ज्यादा आ गया है तो यहां पर आपने करंट सॉरी वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया है सेकेंडरी का वोल्टेज आपका वीपी से इंक्रीज हो गया जितना आपने इनपुट दिया था उससे इंक्रीज हो गया तो इस केस में हम आपको इसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या बोलते हैं स्टेप कि आपने वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया लेकिन वोल्टेज इंक्रीज करने की वजह से हमने बोला था कि पावर तो दोनों की कॉन्स्टेंट होगी अगर वोल्टेज को आप इंक्रीज कर देते हो तो आपका करंट क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा तो तो करंट सेकेंडरी का प्राइमरी से कम होगा तो इस केस में कोई कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वॉयलेट नहीं हो रहा है क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि कम वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज कैसे आया तो ये इस क्योंकि पावर क्या होता है वोल्टेज इंटू करंट यहां पर अगर वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हो तो करंट में क्या हो जाता है करंट में डिक्रीमेंट हो जाता है यानी कि डिक्रीज हो जाता है सेकेंडरी कॉयल का करंट आपका प्राइमरी से कम ही आएगा दूसरा होता है, जहां पर प्राइमरी के ज्यादा होते हैं और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं तो वहां पर क्या होता है सेकेंडरी के अंदर वोल्टेज प्राइमरी से कम होता है यहां पर वोल्टेज कम किया जाता है लोअर किया जाता है प्राइम जो इनपुट है इसको बोलते हैं हम स्टेप डाउन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर स्टेप तो अप में वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे और स्टेप डाउन में वोल्टेज को डिक्रीज करेंगे आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं बट यहां पर हमने क्या माना है यहां पर सब कुछ कंसीडर किया है हमने 100 परसेंट ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी ओके 100 परसेंट एफिशिएंसी ऑफ एफिशियर हम कैसे बोलेंगे पावर आउटपुट सॉरी पावर आउटपुट पावर आउट ओवर पावर इन हम इस तरह से बोल सकते लेकिन रियलिटी में क्या होता है बच्चों रियलिटी में एनर्जी लॉस होती है ट्रांसफॉर्मर में उसका रीजन क्या होता है यहां पर कुछ रीजन होते हैं एक होता है फ्लक्स लीकेज. फ्लक्स लीकेज लीकेज को कैसे किया सपोज करो हमने दो लिम के अंदर यहां पर एक प्राइमरी कॉयल है और यहां पर एक सेकेंडरी कोयल है तो जितना फ्लक्स इसके थ्रू जाएगा तो थोड़ा फ्लक्स एयर में भी जाएगा वो सारा का सारा कॉयल के थ्रू नहीं आएगा तो उसको बोलते हैं फ्लक्स लीकेज इसको अवॉइड करने के लिए हम सेम कोर पर दोनों को रैप अप करते हैं यानी कि वाइंड करते हैं तो यहां पर फ्लक्स लीकेज को रिड्यूस किया जा सकता है तो फ्लक्स लीकेज की वजह से क्या होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस इक्वल टू वन नहीं होगा और उस केस में क्या होगा आपका हंड्रेड परसेंट एफिशेंसी नहीं आएगी दूसरा होता है रजिस्टेंस ऑफ द दाइंडिंग तो हमने प्राइमरी कॉइल में क्या लिया है रजिस्टेंस जीरो लिया है ताकि कोई हीट लॉस ना हो लेकिन एक्चुअल में रेजिस्टेंस जीरो का कोई कंडक्टिंग वायर होता नहीं है तो कुछ रेजिस्टेंस होगा तो उससे क्या होगा हीट एनर्जी में आपका पावर लॉस होगा तो यहां पर हीट एनर्जी में पावर लॉस होगा दूसरा आता है जब फ्लक्स चेंज होता है तो कोर के अंदर एडी करंट्स होते हैं कोर के अंदर करंट्स डेवलप होंगे और उससे भी एक हीट जनरेशन होगा हीट जनरेशन होगा और कोर की हीटिंग हो जाएगी कोर की क्या होगी हीटिंग होगी थर्ड है हिस्टरिस मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन देखो यहां पर फ्लक्स कभी इंक्रीज करेगा कभी डिक्रीज करेगा तो कई बार क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड होगा कई बार मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड होगा तो कोर का कई बार मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन में फ्लक्चुएशन होता है तो उससे हिस्टेरिसिस कर्व में हमने देखा था कि जब भी भी किसी चीज को आप मैग्नेटाइजेशन और फिर डीमैग्नेटाइजेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है हीट जनरेट होती है

इट इज कॉल जितनी परसेंटेज आपकी आपकी पावर आउटपुट होती है एक देखें। बहुत ईजी क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनपुट वोल्टेज यानी कि वी पी इज टू टू ट्वेंटी वोल्ट ओके supply to a transformer the output circuit draws a yani ki is is output circuit 2 ampere aapka current hai 440 volts aur vs aapko diya hua hai 440 volts और आपको efficiency दी हुई है that is 80 परसेंट okay? ओके अब पर पूछा हुआ है करंट विड्रॉन बाय द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर यानी कि को आईपी बताना है कि कितना करंट विड्रॉ करेगा प्राइमरी से तो पहले हम बात करते हैं एफिशिएंसी की 80 यानी कि 80 ओवर 100 विच विल बी इक्वल टू 0.8 और इसको हम बोल देंगे पावर आउट ओवर पावर इन ओके अब यहां पर हमारी पावर इन क्वल टू पावर जो भी आउट होगी पावर आउट ओवर 0.8 और पावर आउट इंटू टेन बाई एट इस तरह से हम और 5 बाई फोर यह कर सकते हैं पावर आउटपुट आप देखेंगे पावर आउटपुट कितनी होगी 2 एम्पियर इन 440 फोर्टी वोल्ट और इसको 5 बाई फोर से मल्टीप्लाई करेंगे एफिशिएंसी का फैक्टर होगा पावर इन कितनी होगी 220 ट्वेंटी वोल्ट इन करंट इनपुट करंट इनपुट होगा प्राइमरी सर्किट का करंट होगा यहां पर इसको सॉल्व करेंगे आईपी अब ये आप देखेंगे ये टू इन टू फोर फोर्टी डिवाइड बाई टी फाइव बाई फोर इसको कैलकुलेट करेंगे दिस विल कम आउट टू बी टू और टू से टू कैंसिल हो जाएगा ये आपके पास आ जाएगा फाइव एमपीआर तो आपका आंसर हो जाएगा डी डी यानी कि फाइव एमपीआर आपका आंसर हो जाएगा इजी क्वेश्चन होता है इस प्रोसेस से यानी कि छोटी सी कैलकुलेशन है यानी कि वीपी आईपी और आईएस वीएस और एफिशिएंसी के थ्रू ये कैलकुलेट कर सकते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर यानी कि आपको एनपी की वैल्यू दे रखी है एनपी इज 50 और एनएस इज इक्वल्स टू 1500 और मैग्नेटिक फ्लक्स फाइव यानी कि फाइव पी आपको दे रखा है फाइव नॉट प्लस फोर ये दे रखा है क्वेश्चन है आउटपुट वोल्टेज आपको वीपी पूछा हुआ वीपी बताना है तो बहुत ईजी है पहले तो आप थोड़ा सा ट्विस्ट दिया हुआ है पहले आप रिलेशन देखेंगे वीपी ओवर वी एस क्वस टू सॉरी वीपी आउटपुट वोल्टेज पूछा हुआ है वीपी नहीं पूछा हुआ है वी पूछा हुआ है तो हम इसको बोल सकते हो दैट इज एन ओवर एन एस ये बोल सकते हैं तो यानी कि हम अगर सेकेंडरी का हम निकालेंगे दैट इज एन एस ओवर एन पी इंटू एन एस ओवर एन पी ओवर वी इस तरह से कर सकते हैं अब आपको एन ओवर एनपी तो पता है लेकिन वीपी नहीं पता है एनएस सेकेंडरी में आपको फिफ्टीन हंड्रेड दे रखे और इसमें आपको फिफ्टी दे रखे तो ये आप यहां पर निकालोगे और थर्टी इंटू वीपी बट आप देखेंगे क्वेश्चन में कोई वीपी की इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी वीपी निकालने के लिए आप क्या करोगे वीपी इज इक्वस टू ई एम एफ इंटू प्राइमरी एंड विच इज इक्व टू डी फाइव बाई डी टी हम क्या करेंगे इसको क्या कर देंगे डी फाइव बाई डी टी डी कर देंगे by Dt आप देखोगे डी फाइव बाई डी टी को यहां पर फाइव क्या दिया हुआ फोर फाइव नॉट प्लस फोर यानी कि जीरो प्लस फोर ये आ जाएगा और ये वेबर पर सेकेंड में आएगा तो यानी कि वीपी की वैल्यू फोर आ जाएगी आपकी ईपी के बराबर फोर आएगी एंड विच इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी एंड दिस इज इक्व टू वीपी तो इसको आप कर दोगे थर्टी इंटू फोर और ये आपको दे देगा आंसर 120 ट्वेंटी वोल्ट अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि इसमें बीपी डायरेक्ट नहीं दे रखा है तो आंसर आपका हो जाएगा ए आंसर विल बी एट इज वन टी वोल्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में दिया हुआ है पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स इनपुट ऑफ टू ट्वेंटी यानी कि यहां पर पावर इनपुट है और वी प्राइमरी हम बोल सकते हो टू थ्री जीरो जीरो वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यहां पर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है प्राइमरी वाइंडिंग है वह एनपी आपको दे रखा है दैट इज फोर थाउजेंड फोर थाउजेंड टर्न और आउटपुट वोल्टेज वी एस इज गिवेन एज टू थ्री जीरो वोल्ट करंट इन द प्राइमरी ट्रांसफॉर्मर इज सॉरी वी एस वी एस हमारे पास दिया हुआ है टू थर्टी वोल्ट प्राइमरी के अंदर आईपी आपको दिया हुआ है फाइव एम ओके और एफिशिएंसी दी हुई है नाइनटी परसेंट ई इज ओके अब इसमें पूछा गया है क्या आप आउटपुट करंट निकालो तो काफी सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको आउटपुट करंट के लिए निकालने के तो पहले एनपी भी दे रखा है लेकिन एनएस नहीं दे रखा ठीक है ना स्टेप डाउन करंट है ठीक है तो काफी सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है आप देखना है हमारे लिए इंफॉर्मेशन यूजफुल कौन सी है तो पहले हम एफिशिएंसी एफिशिएंसी को लिखेंगे इज एफिसियक्वस टू एफिशिएंसी को हम लिखेंगे एफिशिएंसी टू दैट इज ओवर 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 ओके हंड्रेड करेंगे और विच इज इक्वस टू पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट ये होगा और पावर आउटपुट को क्या लिख दोगे आप किस सेकेंडरी का Vs into Is, ये आपको दे रखा है और आई एस आपको पूछा हुआ है पूछा क्या है आपको सेकेंडरी के अंदर करंट पूछा हुआ है आउटपुट करंट और यहां पर इनमें क्या लिखेंगे प्राइमरी का आप वोल्टेज इंटू करंट इन द प्राइमरी इक्वल टू नाइन बाई टेन आपको आई एस निकालना है तो आप यहां पर सॉल्व करेंगे नाइन बाई टेन यहां पर वीपी इंटू आई पी और यहां पर वी एस से आप डिवाइड कर देंगे ये आपके पास आई एस आ जाए इसको आप कैलकुलेट कर देंगे फर्दर तो आई एस की वैल्यू आपके पास आएगी नाइन बाई टेन और वीपी की वैल्यू टू थ्री जीरो जीरो वी एस की वैल्यू टू थ्री जीरो और आई पी की वैल्यू फाइव एमपी आप यहां से कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट टेन ये टेन आएगा टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा आई एस की वैल्यू फोर्टी फाइव एमपीआर आ जाएगी तो आपने ये बेसिक फॉर्मूला याद करना है आप यहां पर देखेंगे कि एनपी की वैल्यू एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी तो कई बार क्या होता है एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए तो एनपी की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी और यहां पर आपको आई एस की वैल्यू क्या आ जाएगी फोर्टी फाइव एमपीआर आ जाएगी आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर विल बी सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में प्राइमरी वाइंडिंग हैज यानी कि नंबर इन प्राइमरी दे रखा है आपको 500 हंड्रेड ओके okay. और नंबर इन सेकेंडरी आपको दे रखा है 5000 थाउजेंड ओके प्राइमरी इज कनेक्टेड विद एसी सप्लाई यानी कि प्राइमरी का प्राइमरी वोल्टेज आपको 20 दिया हुआ है आरएमएस वोल्टेज है नो no डाउट और यहां पर फ्रीक्वेंसी यानी कि फ्रिक्वेंसी आपको फिफ्टी हर्ज दे रखी ओके ओमेगा आप निकालोगे तो टू पाई एफ आ जाती है पर, पर ओके? अब पूछ रहा है सेकेंडरी विल है सेकेंडरी विल हैव आउटपुट, का आपको वोल्टेज निकालना है और फ्रिक्वेंसी निकालनी है ओके तो बच्चों सेकेंडरी के अंदर ओमेगा चेंज नहीं होता है क्योंकि हमने बोला था कि जो भी पावर आउटपुट होगी पावर आउटपुट अभी यहां पर कुछ एफिशिएंसी के बराबर पावर इनपुट ओके तो यहां पर क्या होता है फ्लक्स चेंज फ्लक्स का जो चेंज होता है वो ईएमएफ जनरेट जो होता है वो बराबर होता है दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम होती है जिस फ्रिक्वेंसी से डी फाइव बाई डी टी यहां चेंज हो रहा होता है इन प्राइमरी उसी फ्रिक्वेंसी से कुछ एफिशिएंसी इनटू डी फाइव बाई डी टी सेकेंडरी चेंज हो रहा होता है तो यहां पर ये बस एक रेशियो होता है जो आपको हीट एनर्जी में लॉसेस हो जाते हैं उसकी वजह से एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाती है अदरवाइज ये थोड़ा सा हमने गलत लिखा दिस इज नाइनटी परसेंट नाइन बाई टेन ये गलत है ठीक है ना यहां पर वन बाई एफिशियंसी आएगा वन बाई एफिशियंसी सेकेंडरी ओवर प्राइमरी यानी कि थोड़ा सा फ्लक्स इसमें चेंज हो जाता है हम बोल सकते हैं लेकिन इन दोनों की फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ प्राइमरी ओमेगा ऑफ प्राइमरी इक्वस टू ओमेगा ऑफ सेकेंडरी दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होती है तो आपकी फ्रीक्वेंसी सोर्स की आपको 50 हर्ट्ज़ दे रखी है तो आपका जो आउटपुट है आउटपुट का फ्रीक्वेंसी क्या आने वाला है फ्रीक्वेंसी विल कम आउट टू बी सेम दैट इज हर्ट्ज बात आती है वीएस की वी एस को हम सीधे लिख सकते हैं एन एस ओवर एन पी वीपी एनएस कितना है यहां पर सेकेंडरी का एन है आपका फाइव थाउजेंड और ये है फाइव हंड्रेड और वीपी की वैल्यू आपको ट्वेंटी दी हुई है तो यहां पर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये टेन टाइम्स हो जाएगा यू विल गेट टू हंड्रेड तो यानी कि आपको टू हंड्रेड वोल्ट आने वाला है और फ्रीक्वेंसी फिफ्टी हर्स आने वाली है तो आपका आंसर कितना हो जाएगा टू यानी कि सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा आंसर विल बी सी ऑप्शन बच्चों इस चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक है एल आर सर्किट इन पैरल या एल सी आर सर्किट इन पैरल जनरली ये एनसीआरटी में दिया हुआ नहीं है तो नीट वगैरह में पूछने के चांसेस इसके कम हैं लेकिन कई बार आपको सर्किट दिख जाता है तो बच्चे थोड़े से पजल्ड हो जाते हैं तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं देख लेते हैं इसको डील कैसे करेंगे बहुत डिटेल में इसको नहीं देखेंगे आप तो यहां पर आपको दिया हुआ है एक इंडक्टर एल और एक रजिस्टर आर और एक एसी सोर्स से पैरेलली कनेक्ट किए हुए हैं दोनों दोनों एसी सोर्स से और आपका सोर्स है वी नॉट साइन ओमेगा टी जैसे कि पैरेलल कनेक्टेड है तो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा जो चीज सेम होगी उसको हम बेस मानेंगे तो यहां पर वोल्टेज को हम बेस लेंगे तो हम बोल सकते हैं कि लेट से पूरा करंट इस सर्किट में आई जा रहा है तो यहां पर दो पार्ट में डिवाइड होगा आई आर और आई एल ओके तो हम बोल सकते हैं आई इक्वल टूट कैन बी रिटर्न एज आई आर प्लस आई एल अब आपको पता है आई आर को आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्या लिख सकते हो V ओवर R लेकिन यहां पर आई एल को आप V ओवर R नहीं लिख सकते हो क्योंकि यहां पर ये साइन ओमेगा यानी कि आपको करंट इन इंडक्टर लैक करता है फाइबर टू से लैक करता है तो आप आई आर लैक करेगा तो आप इसको लिखोगे आई आर को आप लिखोगे वी नॉट साइन ओमेगा टी उसी फेज में डिवाइड बाई आर ओके okay. और आई एल को क्या करेंगे लैक करेंगे तो हम बोलेंगे वी नॉट ओवर एक्स एल इंटू साइन ओमेगा टी पाई बाई टू से लैक करेगा माइनस पाई बाई टू ये हो जाएगा तो यहां पर ये यह देखेंगे कि दोनों आपका क्या कर रहे हैं पाई बाई टू से एक दूसरे पाई बाई टू से डिफर कर रहे है। तो ये हमने वोल्टेज वेक्टर माना और यहां पर ही हमने करंट थ्रू रजिस्टर माना पाई बाई टू करता हुआ हम क्या मानेंगे यहां पर पाई बाई टू कर रहा है करंट थ्रू इंडक्टर तो ये आपका वी है ओके तो अब आपका टोटल आई क्योंकि परपेंडिकुलर है टोटल आई इन दोनों का वेक्टर सम होगा ओके वेक्टर सम होगा तो आई का अगर आई नॉट हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे आई नॉट आई नॉट का मैग्नीट्यूड अगर पीक वैल्यू निकालेंगे तो हम बोलेंगे आई आर का स्क्वायर प्लस आई एल का स्क्वायर का रूट अब आई आर का जो मैग्नीट्यूड सॉरी पीक वैल्यू है वो है वी नॉट बाई आर तो आप इसको लिख सकते हो वी नॉट स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस V0 square XL square. अब मैं इसको आई नॉट स्क्वायर लिख सकता हूं और आई नॉट स्क्वायर को अगर मैं वी नॉट बाई जेड स्क्वायर लिखू वी नॉट स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर दैट विल कम आउट टू वी वी नॉट स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर बाई एक्स एल स्क् आप देखेंगे कि आपके z की वैल्यू यानी कि वन बाई जेड स्क्वायर आपके पास आ जाएगा वन बाई आर स्कवायर प्लस वन बाई एक्स एल ये सर्किट का इंपिडेंस है इस तरह से आप z निकालेंगे पैरेलल में स्क्वायर का रिलेशन होगा ये ध्यान रखना जैसे हम पैरेलल में क्या बोलते थे वन बाई आर इक्विल्वल टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू तो यहां पर क्या होगा इनके स्क्वायर का ये रिलेशन होगा इस तरह से आप कर सकते हो दूसरा ये कुछ एंगल लैक करेगा इसको लैट से हम बोलते हैं फाइव ओके अब फाइव को आप क्या लिख सकते हो टेन फाइव इस ट्राइंगल के थ्रू आप टेन फाइव करेंगे परपेंडिकुलर ओवर आई एल को आप क्या लिखोगे वी नॉट बाई एक्सएल और इसको लिखोगे वी नॉट बाई आर यानी कि दिस इज वन बाई एक्स एल ओवर वन बाई आर अदर वर्ड्स में आप इसको सॉल्व करेंगे तो r बाई एक्स एल आपको आ जाएगा 5. तो ये पूरा लैक करेगा आप पूरी इक्वेशन अगर लिखना चाहें पूरी इक्वेशन i को लिखना चाहें दैट इज आई नॉट आई नॉट को आप लिख सकते हो वी नॉट बाई से और ये किससे लैक कर रहा है फाइव एंगल से लैक कर रहा है तो इसको फाइव इस तरह लिखेंगे फाइव फाइव इज नथिंग बट टेन टेन इनवर्स इनवर्स ऑफ की वैल्यू क्या हो जाएगी टेन इनवर्स ऑफ वन ओवर एक्सएल इसको आर ओवर एक्सएल भी लिख सकते हो ये फाइव की वैल्यू हो जाएगी तो इस तरह से आप लिखेंगे और इसको हम वी नॉट बाई जेड को क्या बोल रहे हैं आई नॉट बोल रहे हैं और जेड की वैल्यू आप यहां से निकालेंगे जेड इज नथिंग बट रूट ऑफ दिस Z की वैल्यू निकालेंगे सॉरी वन बाई जेड रूट ऑफ दिस आएगा यानी कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं यहां से इस तरह से आप एल आर सर्किट को पैरल में सॉल्व करें अब मान लेते हैं कि हमको LCR में दे है। कि कुछ ऐसा है इस ऐसा दे रखा है यानी कि एल सी और आर तीनों दे रखे तो बच्चों सिंपल है आप टोटल करंट को लिखोगे करंट थ्रू रजिस्टर प्लस करंट थ्रू इंडक्टर प्लस करंट थ्रू कैपेसिटर मैं डायरेक्ट बना देता हूं यहां पर फेजर के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं ये आपका वी हो गया ओके इसी के फेज में आपका आई होगा आई आपका पीछे यानी कि पाई बाई टू होगा पीछे होगा और आई आपका पाई बाई टू आगे होगा अब यहां पर देखना पड़ता है कि आई ज्यादा है या आई सी ज्यादा है ओके तो मैं मान के चलता हूं कि लेट से इस केस में फर्स्ट सिनेरियो हम कंसीडर करते हैं आई एल इज ग्रेटर देन आई सी ये बोलते हैं फर्स्ट केस में आई एल इज ग्रेटर देन तो इसका मतलब होता है वन ओवर एक्सएल इज ग्रेटर देन वन ओवर एक्सी इस केस में क्या होगा कि एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल क्योंकि रेसिप्रोकल का रेशियो है तो एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल होगा तब आपका आई एल तो हम यहां पर टोटल इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं ये आपका वी हो गया ये आई आर हो गया और नीचे की डायरेक्शन में आपका दिस इज आई एल माइनस आई सी टोटल करंट आप निकालेंगे ये हो जाएगा टोटल करंट आपका ये हो जाएगा तो टोटल करंट का मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे मैग्नीट्यूड इज इक्वस टू आई आर स्क्वायर प्लस आई एल माइनस आई सी का होल स्क्वायर ओके आई नॉट स्क्वायर ये आ जाएगा अब आई नॉट स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो वी नॉट स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर और आई आर स्क्वायर को वी नॉट स्क्वायर बाई आर स्क्वायर और एक्सएल एक्ससी को आप क्या लिख सकते हो सॉरी वी नॉट ओवर एक्सएल आई एल और आईसी को वी नॉट ओवर एक्स और इसका आप होल स्क्वायर कर देंगे v नॉट स्क्वायर सब में से कॉमन लेके आप कैंसिल कर देंगे और आपको ये रिलेशन वन बाई जेड स्क्वायर यानी कि इंपीडेंस का स्क्वायर विल गिव यू वन बाई आर स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर ओके ये रिलेशन आएगा जेड का ये एंगल कुछ फाइव आएगा फाइव की भी बात कर लेते हैं और यहां पर टेन फाइव की वैल्यू टेन फाइव की वैल्यू यानी कि आई एल माइनस आई सी ओवर आई आर आने वाली है यानी कि आप वन ओवर एक्स एल माइनस वन ओवर एक्स सी डिवाइड बाई वन ओवर आर इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं ये आ जाएगी और टोटल आपका जो करंट आएगा करंट इज लैगिंग लैगिंग द वोल्टेज वोल्टेज को लैग कर रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं I नॉट दैट इज V नॉट बाई Z साइन ओमेगा माइनस फाइव इस तरह से हम लिख सकते हैं फाइव की वैल्यू यहां से आ जाएगी Z की वैल्यू यहां से आ जाएगी V नॉट आपको गिवन है तो ये आपको टोटल करंट आ जाएगा अब दूसरा सिनेरियो में अगर सिनेरियो में आपका सेकंड केस क्या हो जाता है सेकेंड हो जाता है कि एक्स एल इज लेस देन एक्स तो यहां पर क्या होगा फाइव लीड लीड नहीं करेगा सॉरी यहां पर करंट लैग नहीं करेगा लीड करेगा ये वी होगा ये आई आर होगा और यहां पर मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूं दैट इज आईसी माइनस आई आर और टोटल करंट इस डायरेक्शन में होगा ये एंगल पाई होगा तो इस केस में इस केस में हम कह सकते हैं कि टोटल करंट आई नॉट स्क्वायर टू इक्वी सॉरी आई आर स्क्वायर प्लस आई सी माइनस आई एल का होल स्क्वायर दैट इज वी नॉट स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर इक्व टू वी नॉट स्क्वायर बाई आर स्क्वायर वन बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स एल होल स्क्वायर इन वी नॉट स्क्वायर भी आएगा एक्चुअली यहां पर वी नॉट आएगा यहां पर आपका वी नॉट आएगा ओके okay. यहां पर वी नॉट आएगा तो आप इसको कॉमन लेंगे देन यू विल गेट आपको ये रिलेशन मिल जाएगा वन बाई जेड स्कवायर

आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं और आप टोटल आई की वैल्यू क्या आएगी आपकी आई इक्वल टू आई नॉट दी नॉट बाई जेड जेड की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं साइन ओमेगा प्लस तो इस केस में ज्यादा डील नहीं किया जाता है और तीसरा केल केस पैरल का केस बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता है तो तीसरे केल केस में हम बोल सकते हैं एक्स एल इक्व एक्ससी तो यहां पर आई एल इक्व टू आई सी हो जाएगा तो दोनों माइनस हो जाएंगे तो हम बोल सकते हैं दैट इज आई एल और आई सी दोनों बराबर है दोनों बराबर हैं आई एल आई एल माइनस आई सी जीरो हो जाएगा तो यहां पर ये यह होगा आई आर दिस इज V। तो Z की वैल्यू Z की वैल्यू वन बाई जेड इक्व टू वन बाई आर आ जाएगी यानी कि Z की वैल्यू R होगी ओके Z की वैल्यू R हो जाएगी और आपका इन फेज होगा तो हम बोल सकते हैं आई इक्वल टू वी नॉट बाई आर साइन ओमेगा सिंपल ऐसा हो जाएगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो इस तरह से हम पैरेलल सर्किट को भी डील करेंगे तो या...